दोस्तों, आजकल हर 10 लोगों में से 8 लोग ऐसे हैं जो एसिडिटी और पेट से संबंधित अन्य कई तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं। पेट या सीने में जलन होना, खट्टी डकारे आना, पेट में भारीपन लगना, खाना ठीक से न पचना, कब्ज और गैस की समस्या, अफारा या पेट का फूलना और पेट में दर्द या सूजन, इस तरह के लक्षण एसिडिटी होने पर अक्सर देखे जाते हैं। एसिडिटी के कारण कभी कभी हमारे फूड पाइप में भी जलन होती है, जिसे हार्ट बर्न भी कहा जाता है, और इससे पेट में मौजूद एसिड की मात्रा बढ़ने पर एसिड कभी कभी मुँह रास्ते तक भी आ जाता है। कई बार मसालेदार खाना खा लेने से या फिर खाने के रूटीन में कुछ गड़बड़ी आ जाने के कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि सामान्य समझा जाता है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बार बार या फिर रोज होने लग जाए तो यह एक गंभीर बीमारी भी बन सकती है। इसलिए ऐसा होने पर शुरुआत में ही इसके लिए सतर्क होना बहुत आवश्यक है। ज्यादातर लोग एसिडिटी को बहुत कॉमन समझकर इग्नोर भी कर देते हैं, परंतु यह पेट और पाचन से रिलेटेड रोग है और पाचन ही हमारे शरीर का मेन फंक्शन होता है, जिसका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अगर पेट और पाचन सही नहीं रहता तो 100% चांस होते हैं शरीर में किसी न किसी तरह की बीमारी आने के। एसिडिटी की समस्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पेट और छोटी आंत में अल्सर होने के साथ साथ कैंसर तक का खतरा हो सकता है। इसलिए सही समय पर इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर यह देखा गया है कि डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाइयों से एसिडिटी थोड़े समय के लिए ठीक तो हो जाती है, पर हमेशा के लिए खत्म नहीं हो पाती, और अक्सर ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करने से या खाली पेट ली जाने वाली दवाइयों से एसिडिटी की प्रॉब्लम और ज्यादा गंभीर होती जाती है। इसलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही असरदार और कारगर घरेलू नुस्खे, जिनकी मदद से आप एसिडिटी की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर पाएंगे, और साथ ही कुछ बहुत ही आवश्यक सावधानियाँ, जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको यह प्रॉब्लम होगी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो में हमसे जुड़े रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन नुस्खों की, जिनकी मदद से एसिडिटी की प्रॉब्लम में तुरंत राहत मिलती है। इसके लिए हमें जरूरत होगी ठंडा दूध और देसी घी की। एक गिलास पानी में लगभग 20 ml ठंडे दूध को मिलाकर उसमें 1 चम्मच देसी घी मिलाएं। फिर इन दोनों चीजों को आपस में अच्छी तरह मिलाकर इसका सेवन करें। जब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो इसे पीने से तुरंत राहत मिलती है। ठंडे दूध और घी को मिलाकर इसका सेवन करने से पेट में मौजूद एसिडिटी शांत होती है, और साथ ही जलन और पेट दर्द जैसी समस्याओं पर भी इसका तेजी से असर होता है। जिन लोगों को भी पेट में अक्सर एसिडिटी या जलन रहती है, वो हर बार खाना खाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बिना घी के भी सिर्फ ठंडे दूध का भी सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा एक और नुस्खा है जो एसिडिटी होने पर तुरंत राहत प्रदान करता है। इसके लिए हमें जरूरत होगी हल्दी, काला नमक, जीरा और नींबू की। सबसे पहले जीरे को भूनकर उसका पाउडर बना लें। फिर आधा टीस्पून जीरा पाउडर में आधा टीस्पून हल्दी को मिलाकर आधा टीस्पून काला नमक मिलाएं। फिर इस मिश्रण में हमें 1 से 1.5 चम्मच गरम नींबू का रस मिलाना है। नींबू के रस को गरम करने के लिए एक नींबू को बीच में से काट लें। फिर आधे कटे हुए नींबू को केवल एक तरफ से गैस के ऊपर पूरी आँच पर 30 से 40 सेकंड तक सेकें। इसको सेकने के लिए हमें इसे चिमटे की सहायता से आँच के ऊपर इसे पकड़ कर रखना है। ऐसा करने से यह थोड़ा थोड़ा जल जाएगा, मगर ध्यान रहे कि इसे बहुत ज्यादा ना जलाएं, वरना इसका असर उल्टा भी हो सकता है। नींबू पूरी तरह गर्म हो जाने के बाद तुरंत इसका रस निकाल लें और बाकी सारी चीजों के साथ मिलाकर इसका सेवन करें। दोस्तों, यह नुस्खा मैंने खुद आजमाया है, और आप विश्वास माने, इसको लेने के 30 सेकंड बाद ही इसका असर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे आपको थोड़ी डकारे आ जाती है, जिससे आपका पेट हल्का होने लग जाता है, और फिर थोड़ी देर में ही एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। यह एक बहुत ही असरदार एंटासिड की तरह काम करता है, और पेट में जलन, भारीपन या फिर सूजन के लिए यह बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसका इस्तेमाल आप सुबह, दोपहर या शाम किसी भी टाइम कर सकते हैं, या फिर जिस समय भी आपको प्रॉब्लम हो उस समय तुरंत राहत के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा छाछ चने की बटर मिल्क भी एसिडिटी में बहुत फायदेमंद होता है। छाछ के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे पेट में एसिडिटी और अम्लता को कम करता है, और साथ ही इसमें कैल्शियम, विटामिन और पोटेशियम भी होता है, जो कि हमारी सेहत को भी बहुत अच्छा बनाता है। एक
गिलास छाछ में काली मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और गुड़ मिलाकर रोजाना दिन में खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। इसका स्वाद भी अच्छा होता है और रोजाना इस ड्रिंक का सेवन करने से हमारे पेट में एसिडिटी, गैस, कब्ज आदि किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होती है। इसके अलावा एक नुस्खा और है, इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी खीरा, तुलसी के पत्ते और अजवाइन की। सबसे पहले तुलसी के पत्तों को पीसकर इसकी चटनी बना ले। इसके बाद हमें खीरे का जूस बनाना है। खीरे का जूस हमें छिलके के साथ ही बनाना है। फिर एक गिलास खीरे के जूस में एक चम्मच तुलसी की चटनी और आधा टीस्पून अजवाइन का पाउडर मिलाएं। उसके बाद यह ड्रिंक तैयार हो जाएगा। इस ड्रिंक में मौजूद खीरा हमारे शरीर को हाइड्रेट करके उसमें टॉक्सिन्स की मात्रा को कम करता है, जिससे हमारे शरीर में एसिड का लेवल कम होता है। और साथ ही तुलसी हमारे पेट को ठंडक प्रदान करके पेट में होने वाली जलन को दूर करती है। इस ड्रिंक के अलावा एलोवेरा जूस भी एसिडिटी की समस्या में बहुत असरदार होता है। रोजाना सुबह खाली पेट एलोवेरा का जूस पीने से यह हमारे शरीर में एसिड की मात्रा को तेजी से कम करता है, जिससे समय के साथ साथ एसिडिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर ज्यादा एसिडिटी या पेट में जलन की दिक्कत हो तो दिन में 2 से 3 बार एलोवेरा का जूस पीना चाहिए। इसके अलावा लौंग, इलायची, सौंफ, गुड़, जीरा और आंवले का पाउडर, यह सारी चीजें भी खाने के बाद खाई जा सकती है। इन सभी में एंटासिड प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अगर आप चाहे तो इनमें से किसी एक या दो चीजों का खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद केवल लौंग को चबाने से इसके अंदर पाया जाने वाला रस हमारी लार के साथ पेट में जाता है और खाने को पचाने की प्रक्रिया को तेज करके पेट में अम्ल की मात्रा को कम करता है। इसके अलावा इलायची शरीर में वात और पित्त यानी कि गैस और एसिडिक प्रॉब्लम को बहुत तेजी से ठीक करती है। खाने के बाद 1 से 2 इलायची या इलायची के पाउडर को मिश्री के साथ भी लिया जा सकता है। इसके अलावा भोजन के बाद सौंफ और गुड़ खाने से यह हमारे पाचन की क्रिया को अच्छा करता है और भोजन के अच्छी तरह पचने से हमें कब्ज और गैस की समस्या भी नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी और पेट से रिलेटेड समस्या बहुत ज्यादा है तो उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पेट में एसिडिटी और अन्य पेट से संबंधित समस्याओं के लिए अविपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। यह आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा या फिर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इस चूर्ण के अंदर कई तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है जो कि हमारे पाचन अंगों को मजबूती प्रदान करता है। यह पेट की एसिडिटी को दूर करने के अलावा हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक गैस्ट्रोइटिस और इनडाइजेशन यानी कि अपचन की समस्या को भी दूर करता है। इसका इस्तेमाल आधा चम्मच दिन में एक बार भोजन करने से पहले मिश्री के साथ मिलाकर किया जा सकता है। एसिडिटी और पेट से रिलेटेड सभी समस्याओं के लिए ये सबसे असरदार औषधि है। दोस्तों, इन नुस्खों का इस्तेमाल करने के अलावा गैस और एसिडिटी के विषय पर आगे भी मैं और वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही आवश्यक सावधानियाँ जिनका एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होने पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। और अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाए तो किसी भी दवाई या फिर घरेलू नुस्खों से एसिडिटी, गैस या और कोई पेट से संबंधित बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज का यह नुस्खा आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।